अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म रनवे 34 को लेकर चर्चा में हैं। इसमें अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत और बोमन ईरानी भी हैं। अजय ने इसे डायरेक्ट भी किया है और ये ईद के मौके पर थिएटर्स में रिलीज हो रही है। अब अजय ने खुलासा किया कि उन्हें पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिल्म की रिलीज के वक्त ईद का त्योहार मनाया जाएगा, इसलिए मूवी की डेट फिक्स होने के बाद उन्होंने सबसे पहले सलमान खान को फोन किया था। दरअसल ईद के मौके पर सलमान की फिल्में रिलीज होती हैं, ऐसे में अजय ने भाईजान को ये पूछने के लिए फोन किया था कि उनकी मूवी की रिलीज से उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है। हालांकि सलमान ने जिस तरह से इसका रिप्लाई किया वो दिल जीतने वाला था। अजय देवगन ने पिंक विला से बातचीत करते हुए कहा, मेरा इरादा बिल्कुल भी ईद के मौके पर रिलीज करना नहीं था, हम इस तारीख पर आना चाहते थे और संयोग से ईद भी पड़ गई। मैं इसके बारे में खुश था। जब मैंने मूवी की अनाउंसमेंट की तब मुझे एहसास नहीं था कि उसी हफ्ते ईद पड़ रही है। मैंने सबसे पहले सलमान खान को फोन किया। इस पर सलमान खान ने कैसे रिएक्ट किया इस बारे में अजय ने कहा, मैंने कहा कि मैंने इस डेट की अनाउंसमेंट की है और ये ईद पर पड़ रही है, आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं? फिर उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि चिंता मत करो, मैं इस हफ्ते नहीं आ रहा, मैं अगली ईद पर आऊंगा। सलमान खान ने 15 मार्च को अजय की फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था और लिखा था, मेरी कोई मूवी तो रेडी नहीं हुई तो मैंने अपने भाई अजय देवगन से रिक्वेस्ट की है कि वो इस ईद पर आएं ईदी देने के लिए।